नमस्कार, आप देख रहे हैं dilalantop.com और मैं हूं निखिल। और आज dilalantop स्टूडियो में तशरीफ लाई है 66वें नेशनल अवार्ड में बेस्ट फीचर का अवार्ड जीतने वाली फिल्म हेल्लारो की टीम हमारे साथ में। सबसे उधर हैं अभिषेक, जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है। आप डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। उनके साथ में प्रतीक गुप्ता हैं, आप स्क्रीन प्ले आपने लिखा है, आपने एडिट की है फिल्म, और आप एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं। आयुष क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, प्रोडक्शन टीम का हिस्सा हैं, और मेरे बिल्कुल ठीक में साथ में हैं मीत जानी, जो कि आप क्रिएटिव और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का लल्लनटॉप स्टूडियोज़ में। बहुत बहुत बधाई पहले आपको बेस्ट फीचर जीतने के लिए, और आपने अपने टाइम में से हमारे लिए जो टाइम निकाला है उसके लिए भी। अब मैं पर्ची छोड़ दी है, मैं उधर से चालू कर लेता हूँ अपना काम। अभिषेक, बहुत डिस्कस हुई आपकी फिल्म जब से आपको अवार्ड मिला है। आपने इफ़ी में भी इंडियन पैनोरमा आप ही की फिल्म से चालू हुआ, और कुछ लोगों को आइडिया मिल गया है कि हेल्लारो किस बारे में, लेकिन हमारे जो दोस्त नहीं जानते हैं उनके लिए क्या आप थोड़ा बहुत प्लॉट बता सकते हैं कि किस क्या कहना चाहती है आपकी फिल्म? ये फिल्म एक ऐसे गाँव की कहानी है जहाँ पर औरतों को गरबा करने के लिए मना किया गया है बहुत सदियों से। यानी वहाँ की औरतों ने गरबा कभी नहीं किया है। एक दिन अचानक पानी भरने जब वो जाती हैं तब उन्हें कोई मिलता है, और वो ड्रमर है, ढोली, हमारे वहाँ ढोल जो बजाता है उसे ढोली बोलते हैं। तो वो मिलता है और पहली बार लाइफ में कोई नहीं देख रहा और औरतें गरबा करती है। और ये वो जब नशा हम करते हैं पहली बार, तो दूसरी बार वो करने का जो मज़ा आता है वो मज़ा औरतें गरबा में लेने लगती है। और वो छुप छुप के गरबा चल रहा है, एक दिन गाँव में पता चलता है, और फिल्म जब ख़त्म होती है तब गरबा से फिल्म ख़त्म होती है। लेकिन इस फिल्म को बनाने का या फिल्म लिखने का जो भी बेसिक थॉट था वो यही था कि आप किसी को नहीं बोल सकते कि मैंने बोला इसलिए तुम इस तरह से जियो, मैंने बोला है इसलिए तुम्हें गरबा नहीं करना है। एक दिन, एक ना एक दिन वो निकलता है, और अच्छी तरह से निकलता है, और जैसे निकलता है उसे हेल्लारो बोलते हैं। अच्छा, ये इस शब्द का मतलब क्या होता है जो लोग नहीं जानते उनके लिए? हेल्लारो का वैसे इंग्लिश में हम लोगों ने उसका जो मीनिंग है उसे आउटबर्स्ट लिखा है। आउटबर्स्ट यानी अंदर से कुछ ऐसे उछल के बाहर आए, अचानक से आए। वैसे गुजराती का उसका जो मीनिंग है वो वेव होता है, लेकिन ऐसा वेव जो आके सब कुछ बदल दे, ऐसा वेव जो अगर आप खड़े हैं या आप दरिया और नदी में खड़े हैं और अगर आए तो आपको लगे वो, और वो ज़ोर से धक्के से आए, उसे हेल्लारो बोलते हैं। अच्छा, तो और हेल्लारो की जो कहानी है लूजली इंस्पायर्ड है एक फोक से, रन में बेस्ड है, और रन में बहुत सारी कहानी है। ये आइडिया किसका था कि इस कहानी को पिक किया जाए? आपने बहुत अच्छी तरह से बोला कि बहुत सारी कहानियाँ रन में बेस्ड है, बहुत सारी कहानियाँ गरबा पर भी होगी। तो एक हमारे वहाँ फोकटेल है, उसके साथ इस फिल्म को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि उसमें भी ढोली है, उसमें भी गरबा है। लेकिन हमारी फिल्म शुरू जहाँ से होती है वो सपरेशन से शुरू होती है, और जो फोकटेल है उसमें वो सपरेशन नहीं है। तो वैसे तो बहुत अलग अलग है, लेकिन इंस्पिरेशन राइटर बहुत अलग अलग जगह से लेते हैं। तो फिल्म लिखने का या फिर फिल्म कहने का मेरा जो बेसिक थॉट वही था कि मुझे कोई ऐसी फिल्म बनानी थी जो बहुत गुजराती हो, क्योंकि हमारे वहाँ रीजनल के नाम पे लोग हिंदी जैसी फिल्में बनाते हैं। तो जब मैंने मेरे जो तीन पार्टनर्स हैं उनके साथ शेयर किया आइडिया, तब उन लोगों को भी बहुत अच्छा इसलिए लगा। पूछने वाला था कि आप लिखने पे आ रहे थे, जो ट्रांजिशन था फोक टू मूवी, उसमें प्रतीक को कहाँ आप पाते हैं, कहाँ आप उनको खोजते हैं कि यहाँ मुझे प्रतीक चाहिए? यस, तो प्रतीक के साथ एक बार वैसे ही बात हो रही थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि यार कुछ फीचर फिल्म करें हम लोग मिलके, हम चार लोग मिलके। तो वैसे ही मैंने प्रतीक को ये आइडिया सुनाया, और वो जब मैंने आइडिया सुनाया प्रतीक को बहुत अच्छा लगा, तो तब डिसाइड कर लिया था कि यार इस फिल्म को करते हैं। और प्रतीक ने बोला था कि हम लोग साथ में लिखेंगे। तो प्रतीक इसलिए क्योंकि प्रतीक ने इससे पहले फीचर नॉन फीचर फिल्म बनाई है, उसने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी जिसे नेशनल अवार्ड मिला था। अच्छा। प्रतीक ने और मीत ने दोनों ने डायरेक्ट की थी। तो सिर्फ आप फर्स्ट टाइमर हैं, इनका दूसरी बार है। हाँ, तो प्रतीक ने ऐसा बोला था कि अपन साथ में लिखते हैं। तो बेसिकली मैंने बहुत कुछ नाटक वाटक लिखे हैं, तो मुझे पता था कि ये कहानी मुझे कैसे कहनी है, लेकिन प्रतीक जब जुड़ा तो हम दोनों ने साथ में मिलकर फिर स्क्रीन प्ले लिखा। और बहुत बड़े गुजराती राइटर है, इनका बहुत बड़ा नाम है, थिएटर के बहुत बड़े पर्सनालिटी है, सौम्य जोशी, उन्होंने इस फिल्म के डायलॉग लिखे और एडिशनल स्क्रीन प्ले लिखा। तो वैसे थॉट जब आया तब बहुत क्लैरिटी थी कि हम दोनों स्क्रीन प्ले लिखेंगे और सौम्य जोशी डायलॉग लिखेंगे, क्योंकि वो जिस तरह से लिखते हैं और जिस तरह से वो शब्दों के साथ खेल के इस तरह की कहानी को आगे ले जाते हैं वो हमें चाहिए था। तो उन्होंने हाँ भी बोला और फिल्म लिखी उन्होंने। अच्छा, एक सवाल मेरा प्रतीक से भी है और आप भी इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। सोशल इशूज़ पे और पॉलिटिक्स पे ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा सा दूर से जाने की कोशिश करती है, या सोशल मैसेजेस भी वो, हाँ मतलब वो एक बार वो बॉम्ब डाल के वो एक बार निकल जाएंगे वहाँ से, वो पूरा कैंपेन नहीं चलाते हैं। प्रतीक, कितना दिमाग तैयार करना पड़ा कि ऐसे प्रोजेक्ट में हाथ डालना है जिसके बाद हो सकता है
कि लोग काम ना दें? नहीं, वैसे तो ये इन इटसेल्फ ऐसा इशू नहीं था कि शायद ऐसा हो जाएगा कि हमको इसके बाद काम नहीं मिलेगा, इतना कोई एक्सट्रीमिटी की एक बात कर रहा। हाँ, एक्सट्रीमिटीज़ का ऑलवेज ध्यान, मतलब ध्यान में आता ही है, तो हम लोग एक्चुअली तैयार थे कि अगर इस प्रकार की कोई इवेंचुअलिटी आई या इस इशू को पकड़ के किसी ने अगर प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश की तो हम इसका किस तरीके। एफ आई आर का भी मुझे जिक्र मिला, किसी ने करवा दी थी रिलीज के बाद आई गेस। हाँ, हमारे यहाँ क्या है ना कि मतलब क्योंकि भांति भांति के लोग हैं तो ऑफेंड बहुत जल्दी, हमारी भावनाओं को बहुत जल्दी ठेस पहुंच जाती है कई चीज़ों से, तो शायद उनकी भी भावनाओं को किसी चीज़ से ठेस पहुंच गई थी फिल्म में, जो कि एक्चुअली फिल्म सेंसर बोर्ड से सर्टिफाइड है तो वैसे तो कोई उसका कुछ है नहीं, पर हाँ ज़रूर एफआईआर का कुछ हुआ था। पर हम लोग तैयार थे क्योंकि सेंसर बोर्ड से ऑलरेडी फिल्म सर्टिफाइड थी, सेंसर बोर्ड वॉज ऑन बोर्ड, तो वैसा कोई इशू नहीं था ऐसा। मैं एक लाइन जोड़ना चाहूँगा, आपने सोशल कंसर्न की बात की, तो जो चीज़ें सोशल कंसर्न नहीं होती वो नहीं जीती, उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। हमारे वहाँ जो जितनी फिल्में बहुत चली है उनमें से आप नाम उठा लीजिए, दंगल या फिर पीके या फिर थ्री इडियट, ये तीन फिल्में समाज को कुछ कहना चाहती है, समाज को कोई क्वेश्चन करती है, तो वो जो सोशल कंसर्न है ना वो बहुत ज़रूरी है आपकी कहानियों में, अदरवाइज़ आपकी आर्ट लंबा नहीं जिएगी। इसलिए भी मैंने तो लाइफ में जितना भी काम किया है, हम लोग जितना करने वाले हैं, सारे कामों में ये तो दिखेगा ही, क्योंकि अगर समाज की बात नहीं है, समाज को क्वेश्चन नहीं करती, तो वो फिल्म हो या नाटक हो वो नहीं जिएगा। अभिषेक, आप थिएटर की दुनिया से आते हैं जहाँ पे मिनिमल रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी आप एक फिल्म प्रोजेक्ट लेके आए और इसके लिए प्रोडक्शन वाला जो हिस्सा है वो बहुत मैटर करता है, तो मैं आयुष और प्रतीक से, माफ़ कीजिएगा, आयुष और मीत से ये जानना चाहता हूँ कि आपके लिए ये प्रोजेक्ट कैसा रहा ऑन अ क्रिएटिव एंड, और जो आपने रिसोर्सेज कैसे जुटाए इसके लिए? बहुत ऐसे चैलेंजिंग था बिकॉज एक तो स्क्रिप्ट है वो बहुत डिमांडिंग है, और लेकिन वो है कि उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ की कोई जगह नहीं है, तो हर तरीके से, जैसे अगर आप देखेंगे तो हर तरीकों काफ़ी लेवल्स पे क्रिएशन हुए हैं। एक जगह जहाँ पे स्क्रीन प्ले पे काम हो रहा है, म्यूज़िक में ऑलरेडी काम चालू हो चुका है, तो पैरेलली एक गाँव बन रहा है जिसमें हम लोग जीने वाले हैं। हाँ, इन्होंने पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर एक पूरा गांव बनाया, आई गेस पूरा एक सेट। हाँ, एक अब हम उसे गांव बोलते हैं बिकॉज उसमें आत्मा है तो वो गांव है जिसमें हम जीने वाले हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 months, और काफ़ी लोग वहाँ पे रहने वाले हैं, साथ ही साथ कॉस्ट्यूम्स है, तो अराउंड 500 ग्रुप, मतलब पेयर ऑफ कॉस्ट्यूम्स बनाए जा रहे हैं, एक्वायर नहीं किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, ठीक है। ज्वेलरी सोर्सिंग हो रही है, सोर्सिंग उस तरीके की हो रही है जो उस पीरियड में ऐसे एरिया में लोग पहना करते होंगे, और वो भी ध्यान में रखा जा रहा है कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ अटैच नहीं कर दी जाए, तो बहुत ही सेंसिबिलिटीज़ के साथ मल्टीपल लेवल्स पे क्रिएशन हुआ। हाँ, इनको कोऑर्डिनेशन हमें करना था, सब रिसोर्सेज सही टाइम पर काम हो रहे हैं वो हमें करना था, तो ऑब्वियसली बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज एक गुजराती फिल्म ने इस स्केल पर आज तक काम नहीं किया है। हमारे लिए ये फिल्म का जो मतलब प्रोडक्शन का जो भी हमारा होमवर्क था कि हमें लगान का मेकिंग वाला फिल्म देख लेना है, और उस बेसिस पे हमें हमारी तैयारी पूरी तरह करनी है। और ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए आपने मतलब फाइनेंसेस कहाँ से जुटाए मीत? क्योंकि जब नए प्रोजेक्ट्स आते हैं तो हमारे यहाँ जो स्टार्टअप कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट अभी भी नहीं किया जाता है, तो मुश्किल आती है पैसा किधर से जुगा, क्योंकि बहुत लोग जो फिल्म बनाना चाहते हैं वो इसके जवाब में इंटरेस्टेड होंगे। हमको लकीली एक आशीष पटेल करके एक आदमी है जो हमको मिल गए, हम ऐसा ही बोलेंगे हमको मिल गए, क्योंकि हम लोग ढूंढ रहे थे ये प्रोजेक्ट जब कागज़ पे था, हम लोग जब फाइनेंसर ढूंढ रहे थे, तो आशीष भाई जब आए हमारी ऑफिस पे स्पेशली मिलने के लिए कि बताओ क्या कर रहे हैं, और जब उन्होंने आधा घंटा नरेशन सुना था, पूरा स्टोरी भी नहीं सुना था, उन्होंने हाँ कर दी थी, और उनका इतना ही था सिर्फ ब्रीफ कि आप लोग करो, आप लोग को आता है और मैं पीछे बैठा हूँ। तो हम लोग जो इनिशियली सोच के बैठे थे उस हर प्रोजेक्ट में जैसा होता है वैसे हम लोग अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे थे, स्किल हमारा बहुत ही चैलेंजिंग था, डिमांडिंग था, पर हर बार वो हमारे पीछे थे, तो फाइनेंस वाइज हमको कभी दिक्कत नहीं आई, हमको कभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑल द मोर हम लोग जैसे ही शूट डेट के नज़दीक आ रहे थे वैसे ही स्केल और बढ़ते जा रहा था, क्योंकि और सेटिस्फाइंग वे में कितना प्रोड्यूस कर पाए फिल्म को वैसा सब लोग को कंसर्न थे, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने फिल्म बनाई, बट कभी भी फाइनेंस के लिए हमको कभी चिंता करने की ज़रूरत पड़ी ऐसा लगा नहीं। वो लकी अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी भी आपने इंश्योर करी, मैंने जो जितनी फिल्म मैं देख पाया जितना समय था उसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा प्रोडक्शन आप लोगों का, या पीरियड कॉस्ट्यूम्स और
उस समय के बारे में बात कर रहे थे. अभिषेक, आपकी फिल्म 1975 से शुरू होती है, ठीक है, तो ये होते होते हो गया या फिर वो मैसेज था इमरजेंसी वाला? होते होते हो गया वैसे. अच्छा. एक ऐसा फिल्म को थोड़े पीछे ले जाना था क्योंकि कहानी इस टाइप की थी. तो मैं और प्रतीक सोच रहे थे कि यार कोई ऐसी ऐसे दौर में जाए जिसका सिर्फ एक डायलॉग आ जाए और सबको पता चल जाए कि ये कौन सा दौर है. अच्छा. राइट. तो इंदिरा गांधी ने अनाउंसमेंट किया है इमरजेंसी का, ऐसा एक डायलॉग है फिल्म में. लेकिन जब वो थॉट मुझे एक दिन रात को आया था कि यार 1975 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1975 में इमरजेंसी थी. और फिर इंटरप्रिटेशन ऐसा है इसका कि औरतों की लाइफ में तो इमरजेंसी लगी हुई है, तो बहुत मज़ा आया. कई बार ऐसा होता है कि थॉट बाद में आता है, एकदम आपको मज़ा आ जाता है, तो ऐसा हुआ. फिर पता चला कि अच्छा इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ग्रेट है, तो 1975 रखते हैं, इसलिए 1975 है फिल्म. एक चीज़ और जो मुझको जाननी है, आपने अपने बाकी इंटरव्यूज़ में खुद को एज अ फेमिनिस्ट आइडेंटिफाई किया है. मैं जानना चाहता हूँ कि एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म आपने बनाई है, जिन लोगों ने ये फिल्म बनाई उस टीम में कौन कौन सी औरतें थी और उन्होंने क्या क्या दिया उस क्रिएटिव प्रोसेस को? बहुत बहुत औरतें इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई है. तो सबसे पहले मेरी वाइफ, जो पहली बार मेरी कहानी सुनती है, मुझे क्रिटिसाइज़ करती है, वहाँ से शुरू होती है बात. फिल्म में 13 लड़कियों को एक साथ स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है. तो सेट पे अगर आप आते हैं तो आप पाते हैं कि 20-25 लड़कियां एक साथ फ्लोर पे हर वक्त रहती थी. हमारी जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है वो भी फीमेल है, हमारी जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर है वो भी फीमेल है, बहुत सारे फीमेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं. और फिल्म का जो सेट था वहाँ पर भी ये जो आपने जो फेमिनिस्ट वेव जो बोला वो हमेशा से चलता था, क्योंकि फिल्म की कहानी इस टाइप की थी कि सारे लोग अगर ऑनबोर्ड ना होते, यानी बाय थॉट्स, आप वैसे भी ऑनबोर्ड होते हो और उसके बाद आप थॉट से ऑनबोर्ड आते हो, तो वो अगर सेम पेज पे आप लोग ऑनबोर्ड नहीं आते तो वो फिल्म नहीं बनती है. तो वो वेव जो था, क्योंकि ऐसा है कि अगर आपका एक एडी भी ऐसा मानता है कि यार ये तो गलत हो रहा है, ऐसा तो थोड़े होता है, लाफ ये चाटा मार देना चाहिए औरतों को, या फिर ऐसे तो थोड़ा गरबा ठीक है, नहीं करने दिया तो नहीं करने दिया, ऐसे अगर थॉट होते तो फिल्में नहीं बनती है. इसलिए बहुत ज़रूरी था कि जितने लोग जुड़े, मैं हमारी एडी टीम में भी 3 लड़कियाँ थी, तो वो भी कहीं ना कहीं इस फिल्म की कहानी के साथ अपने आप को हाँ एसोसिएट करती थी. तो वो वेव तो थ्रू आउट द फिल्म था. और हम लोग भी चारों लोग जिस तरह के थॉट से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग भी वैसे ही ख्यालात वाले लोग हैं, तो सारे लोग ऐसे थे. आप उस एमरजेंसी की बात कर रहे थे जो औरतों की ज़िंदगी में अभी तक की लगी हुई है. इस एमरजेंसी का को अटैक आपने जिस टूल से किया है वो डांस है. कैसे ये दिमाग में आया? मतलब गुजराती फिल्म बनानी थी इसलिए गरबा है, या फिर ये प्रोसेस क्या था कि हमको डांस को प्रधानता देने, क्योंकि 15 दिन आपने सिर्फ डांस सीक्वेंसेस शूट किए? यस. तो थॉट जब आया तो सबसे पहला ये थॉट था कि यार अगर सप्रेशन को अगर ऐसी चीज़ से जोड़ा जाए जो एक्सप्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं खुशी को तो हम नाचते हैं. दुनिया के कोई भी छोर में आप चले जाए तो अगर बंदा खुश होता है तो वो नाचता है. तो हमारे वहाँ गुजरात में तो हम लोग जब भी खुश होते हैं तो देखिए आप शादी गानों में सभी जगह पे हम लोग गरबा ही कर लेते हैं सबसे पहले. तो गरबा ऐसा वो बहुत कनेक्टेड है हमारे साथ, हमारे जीन में. तो फिर सोचा था कि यार अगर ये एक्सप्रेशन की बात को सप्रेशन के साथ जोड़ा जाए तो कैसी कहानी बनेगी. तो थॉट वहीं से शुरू हुआ था. और गरबा ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ है कि उसके ऊपर फिल्म बनाना वो फैसिनेटिंग था बहुत. तो वो थॉट मेरे दिमाग में बहुत सालों से चल रहा था कि मैं एक ऐसा नाटक करना चाहता था जिसमें गरबा सेंटर में हो. अच्छा. और मुझे बहुत जाइजेंटिक गरबा स्टेज पे दिखाना था. मैं नहीं कर पाया और वो शायद फिल्म में कहीं पे. कौन से मतलब ऐसे क्या 2-3 और रिग्रेट्स थे जो थिएटर में हो नहीं पा रहे थे जो आपने फिल्म में पूरे किए? मैं अभी नहीं बताऊंगा. और आने वाली फिल्म्स में बताएंगे, आने वाले प्रोजेक्ट्स पे सोच रहे हैं? देखिए हम लोग चारों लोग हरफन मौला फिल्म्स जो कंपनी है उसमें बहुत सारी फिल्में बनाना सोच रहे हैं. लेकिन इसके आगे कौन सी फिल्म बनाएंगे वो अभी सोचा नहीं है. लेकिन इतना तो डेफिनेटली है कि कोई सोशल कंसर्न फिल्म ही होगी. जहाँ चार दोस्त रहते हैं वहाँ ये पूछना ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग प्रैंक करते थे क्या एक दूसरे को काम करने के टाइम? ऐसा कोई जो यहाँ बताया भी जा सके? ज़रूरी नहीं था. अच्छा. सिचुएशंस ही ऐसी होती थी. सिचुएशंस जो है वो प्रैंक करती थी हमारे साथ. एकाध कोई जैसे एकाध ऐसा कि आंधी आई है और बारिश हो रही है बहुत, तो पता चला कि यार सेट तो 12 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो वो तो अब ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसमें तो वो घास फूस लगा हुआ है सेट में और वो भूंगे हैं, पुराने वाले घर बनाए हम लोगों ने. तो हम लोगों ने सोचा कि भाई बर्बाद, भागो.
तो ये दोनों गाड़ी लेके भागे, अलग अलग चार पांच गाड़ियां गई, वहां पहुंचे और पता चला कि वो जो आंधी आई थी, वो जो बारिश हुई थी, वो वहां से ऐसे टर्न लेके चली गई थी। अच्छा। तो ऐसा प्रैंक हमारे साथ बहुत, कुदरत ने बहुत हमारे साथ किया है। यस ठीक है, एक आखिरी सवाल जो मुझको आपसे पूछना है अगेन, क्योंकि आपने एक ऐसी मानी खेस फिल्म बनाई है जिसे इस इतना अच्छा पाया गया कि उससे बेस्ट फीचर का अवार्ड दिया गया है ना, और आपको अलग से मेंशन भी मिला है आपके कास्ट को, है ना, काफ़ी तारीफ हो रही है। अभी हिंदुस्तान में एक बड़ा मूवमेंट चल रहा है NRC CAB को लेकर, जिसको लेकर काफ़ी म्यूटेड रिस्पॉन्स है फ्रॉम बॉलीवुड। आप लोग उस इंडस्ट्री से आते हैं, वहीं जाना चाहते हैं, थिएटर से आप जुड़े हुए हैं, जहीन आदमी, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं बॉलीवुड के रिस्पॉन्स को, उसको कैसे देखते हैं और आपकी क्या राय है? मैं हमेशा ऐसा मानता हूं कि कोई भी ऐसा कानून या फिर कोई भी ऐसा लॉ रूल कोई भी, वो किसी को बांटे नहीं। अगर वो जहां से बंटवारा शुरू होता है वहां से बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं, तो वो मैं हमेशा से मानता हूं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि जो लोगों को बांटे। अच्छा। तो ये मेरा ख़ुद का ये एक स्टैंड है। बहुत बहुत शुक्रिया टीम हेलारो, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए, हमसे इतनी बढ़िया बढ़िया बातें की। आइंदा और फिल्म बनाई है अच्छी अच्छी, तभी भी हमसे आप लोगों की मुलाकात होगी और आप लोग की हमसे होगी। आप ये फिल्म देख के आइए प्लीज। अरे ये बिल्कुल, ये सबसे ऑब्वियस चीज़ है मतलब इस पूरे वीडियो को करने की, जरूर इस फिल्म को देखिए, टिकट खरीद के देखिए, टोरेंट से डाउनलोड करने की कोशिश मत कीजिए। आप देख रहे थे दिलानटॉप, मैं हूँ निखिल, मेरे पीछे मेरे साथ हैं टीम हेलारो और कैमरे के पीछे हैं मेरे दोस्त राशिद। देखते रहिए दिलानटॉप। थैंक यू।